हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एम एड फोर्थ सेम ठीक है जी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं फाइव सब्जेक्ट्स थे आपके ठीक है जी आईसीटी वाला तो देखिए कॉमन रहेगा आपका बाकी जो पांच सब्जेक्ट थे उनमें से आपको तीन चूज करने थे तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है इंक्लूसिव एजुकेशन वाला दैट इज़ एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड ठीक है वो हमने चूज़ किया है तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो हमने पांच में से तीन चूज करने थे उसमें से ये पहला सब्जेक्ट है जो मैंने चूज किया दैट इज एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड तो उसका पहला ही टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं इसकी प्ले लिस्ट भी मैं बना दूंगी ठीक है प्रॉपर जितने भी टॉपिक है आपको उस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है जी तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक जो है आपने बी एड फोर्थ सेम में भी किया था ठीक है जी अब एम एड फोर्थ सेम में भी सेम टॉपिक्स हैं ठीक है जी कुछ टॉपिक्स ऊपर नीचे हैं वो मैं ज़रूर आपको करवाऊंगी करवाने तो मुझे सारे ही पढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग में आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ठीक है बी एड फोर्थ सेम के अगर बच्चे ये देख रहे हैं वीडियो तो उनके लिए भी यूजफुल है प्लस एम एड फोर्थ सेम की तो ये प्ले में आ ही जाएगा ठीक है सो लेट्स स्टार्ट दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव वर्ड का मतलब क्या होता है इंक्लूसिव होता है इंक्लूड करना इंक्लूड किसको करना जैसे normal है जैसे नॉर्मल बच्चे हैं ठीक है जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं वो तो देखो स्कूल जाते हैं बट कुछ बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल है ये मतलब ये बच्चे होते हैं जिनको देखिए सुनने में दिक्कत है या बोलने में दिक्कत है या जो हैंडी होते हैं ना चलने में जिनको दिक्कत होती है तो उन बच्चों को भी पहले तो उनको स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाता था उनके लिए स्पेशल टीचर्स होते थे ठीक है कि किसी को देखने में दिक्कत है तो उनके लिए स्पेशल टीचर रखा गया था स्पेशल स्कूल्स होते थे अलग से मतलब उनको पढ़ाया जाता था ऐसा बोलते थे कि नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं उनको पढ़ाना ठीक है बट धीरे धीरे क्या है एजुकेशन चेंजेस होते रहे पॉलिसीज़ में और फाइनली जाके क्या बनाए कि इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है फिर इंटीग्रेटेड भी आई थी एजुकेशन इन तीन चीजों में आप डिफरेंस भी पढ़ोगे ठीक है नेक्स्ट टॉपिक ही है इससे तीन डिफरेंसेस आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है सेग्रीगेटेड एजुकेशन क्या होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है तीनों में कॉमन सा एक छोटा सा डिफरेंस है ठीक है जी थी? तो इन, फिर उसके बाद पहले तो सेग्रीगेटेड था मतलब दोनों को अलग अलग पढ़ाते थे नॉर्मल बच्चों को अलग और डिसेबल्ड बच्चों को अलग पढ़ाते थे ये होता है सेग्रीगेटेड एजुकेशन फिर आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंटीग्रेटेड में क्या बोला कि दोनों को एक साथ पढ़ाओ बट जो नीड्स है ना डिसेबल्ड की वो पूरी तरह फुल्ली मतलब नहीं प्रोवाइड किया गया था कोई भी रिसोर्स इतना प्रॉपर राइट पर इंक्लूसिव में क्या बोला गया कि नॉर्मल और डिसेबल्ड दोनों को एक छत के नीचे पढ़ाया जाए प्रॉपरली पढ़ाया जाए और जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चों को कोई नीड है जिसको सुनने में दिक्कत है उसको हियरिंग एड्स दो जिसको देखने में दिक्कत है उनको ब्रेन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाओ साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाओ जैसे मर्जी मतलब जो उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करना है उनको ध्यान में रखना है और उनको कॉमन बच्चों के साथ पढ़ाना है ताकि उनको ऐसा ना लगे कि वो डिसेबल्ड हैं के वो नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते या नॉर्मल बच्चों के दिमाग में ये चीज ना आए कि वो तो डिसेबल्ड है और गलत छवि ना बने बच्चों के दिमाग में तो दोनों को क्या है एक साथ पढ़ाना चाहिए एक कॉमन स्कूल में एक छत के नीचे उसको हम क्या बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन आई होप समझ आ गया आपको तो आज हम इसकी डेफिनेशंस करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करेंगे और नेचर के बारे में पढ़ेंगे राइट सो लेट्स स्टार्ट इंक्लूसिव क्या होता है मीन्स टू इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड है सबको इंक्लूड करना सबको एक ही स्कूल में पढ़ाना और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना फ्रॉम सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज ठीक है जी क्योंकि कई बार क्या होता है ये तो नॉर्मल सी देखो बात है आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कई बच्चे होते हैं हैंडीकैप्ड होते हैं राइट और पेरेंट्स को क्या लगता है कि अरे ये तो हैंडीकैप्ड है इसको पढ़ा के मैं क्या करूँगा क्यों मैं इसके पीछे पैसे वेस्ट करूँ चाहे वो अपना ही बच्चा क्यों ना हो पेरेंट्स कई करते हैं ठीक है तो क्या किया जो सरकार थी ठीक है उन्होंने क्या है एक एजुकेशन पॉलिसी चलाई इंक्लूसिव एजुकेशन की तो उन्होंने बोला छः से चौदह साल तक ठीक है जितने भी बच्चे हैं सिक्स टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज के उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी और कंपलसरी है कि हर बच्चे को एजुकेशन दी जाए ताकि पेरेंट्स को भी ऐसा ना लगे कि हाँ हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को क्यों ये तो क्योंकि एजुकेशन सबका राइट है तो सबको ही एजुकेशन मिलनी चाहिए तो इसलिए सरकार ने क्या किया सिक्स टू फोर्टीन इयर्स ऑफ एज तक जो एजुकेशन थी वो फ्री ही कर दी ताकि पेरेंट्स को भी बच्चा बोझ ना लगे एक तरह से जो वो बताते रहते हैं और नॉर्मल स्टूडेंट के साथ इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आगे जाके जो नॉर्मल बच्चे हैं देखिए सोसाइटी में जाएंगे पता नहीं कितने तरह के लोग होते हैं तो सबसे डील करना आना चाहिए चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो ठीक है तो बच्चे को नॉर्मल बच्चे को ये चीजें भी समझनी चाहिए इसलिए एक ही छत के नीचे नॉर्मल और डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव वैल्यू ठीक है जी आई होप मैंने देखो अपनी तरफ से जितना मैं समझा सकी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया भी सो लेट्स नाउ स्टार्ट इट डिस्क्राइब्स दैट ऑल चिल्ड्रन ठीक है जितने भी चिल्ड्रन हैं इन ऑल शेड्स ऑफ दर डिसेबिलिटी चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है चाहे वो नॉर्मल बच्चा है सबको स्कूल में वेलकम किया जाएगा प्लस अरेंजमेंट की जाएगी जहाँ पे जो ज़रूरत है उनकी वो ज़रूरत पूरी की जाएगी जैसे कोई हैंडी कैप बच्चा व्हील चेयर पर जाता है तो देखिए वो स्टेयर्स तो नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि वो तो व्हील चेयर पर है तो उसके लिए रैम्प्स लगवाने चाहिए ताकि वो ईजिली क्या है मूव कर सके राइट right? रैम्प लगवा दीजिए लिफ्ट्स लगवा दीजिए जितना हो सके उतना अरेंजमेंट उनके लिए किया जाना चाहिए अलग से कोई स्कूल नहीं बनाना एक ही स्कूल में एक ही क्लासरूम में सभी बैठ के क्या करेंगे पढ़ाई करेंगे राइट right? और जहाँ पर कोई ज़रूरत है उनको वो उनकी ज़रूरत को दिमाग में रखना है जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं राइट इंडिविजुअल डिफरेंस में हम क्या पढ़ते हैं साइकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि हर एक बच्चा देखिए अलग है ठीक है सबकी नीड्स अलग है तो उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है ठीक है नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द एजुकेशन इन द सेम स्कूल एंड सेम क्लास विद नॉन डिसेबल्ड पीयर्स मीन्स नॉर्मल बच्चों के साथ ही उनको सेम छत में सेम छत के नीचे सेम क्लासरूम में सेम स्कूल में पढ़ाया जाएगा उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है इंक्लूसिव का मतलब ही होता है इंक्लूड करना नाउ कम विद कंसेप्ट डेफिनेशन अभी मैं करवाऊँगी इसके बाद तो इट इंक्लूड्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अवे फ्रॉम एजुकेशन कुछ बच्चे जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती क्योंकि देखो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये बात भी की गई थी कि जैसे गर्ल्स हो गए ठीक है कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते उनको ऐसा लगता है कि अरे इसने क्या करना है पढ़ के ठीक है ये पढ़ के क्या करेगी इसकी तो शादी ही करनी है तो ये चीज़ दिमाग में बैठ गई है तो जिस वजह से लड़कियों को भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता तो सरकार ने क्या किया कि जो एजुकेशन थी उसको फ्री और कंपलसरी कर दिया चाहे वो गर्ल्स हैं चाहे वो बॉयज़ हैं सबको क्या है प्रॉपर एजुकेशन दी जाएगी चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, को है? कोई भी है सबके लिए एजुकेशन प्रॉपर होगी ठीक है अवे फ्रॉम एजुकेशन फॉर एनी रीजन चाहे कोई भी रीज़न हो जिस वजह से उस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही मे भी कोई फिजिकल रीज़न हो चल फिर नहीं पाता सुन नहीं पाता देख नहीं पाता मे भी कोई मेंटली चैलेंजड हो ठीक है सोशली बिलोंगिंग टू एनी कास्ट क्रीड और जेंडर हाँ जात पात के नाम पर भी क्या है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना भेदभाव नहीं करना मतलब कोई भी बच्चा है चाहे वो जैसा मर्जी है ठीक है कोई चल फिर नहीं पाता देख नहीं पाता सुन नहीं पाता बोल नहीं पाता कोई भी बच्चा हो कोई भी चाहे वो मेंटली रिटार्डेड ही क्यों ना हो ठीक है कोई भी जाति का हो कोई भी रिलीजन का हो कोई भी कलर का हो ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी और सबको एक बराबर एक क्लास में एक छत के नीचे एजुकेशन देनी है और वो कंपलसरी है ठीक है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल प्लानिंग कैन बी डन ठीक है स्पेशल प्लानिंग कर सकते हैं जैसे स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया ठीक है स्पेशल डिजाइंड क्लासेस होगी स्पेशल करिकुलम हो गया जिनको कई बार सुनने में दिक्कत है क्यों ना उनके लिए प्रोजेक्टर्स वगैरह लगवाए जाएँ ताकि वो देख के उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ पाए मतलब जहाँ पे जो जरूरत है हियरिंग वाले को हियरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाएं जो देख नहीं सकते उनको ब्रेन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाए राइट right? तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है चिल्ड्रन विद सम स्पेशल नीड्स कैन बी मेड टू सिट इन डिफरेंट क्लासेस और सेम क्लासेस विद केटरिंग देयर नीड्स ठीक है जी इकट्ठे पढ़ाना है मतलब जहाँ पे अगर लगे कि हाँ कुछ स्पेशल नीड्स हैं तो जहाँ पे नॉर्मल बच्चे कई बार क्या होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कई बार क्लासेस में प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं हो पाती प्रॉपर नीड्स उनको कुछ पढ़ाना एक साथ है ठीक है जी कुछ नीड्स होती हैं जो हियरिंग की अलग है ठीक है और जिसको देखने में दिक्कत है तो वहां पर अगर जरूरत पड़ी तो क्लास को उस तरह से अरेंज किया जाना चाहिए जैसे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है ठीक है जिसको सुनने में दिक्कत है तो उसको ऑडियो एड्स दिए जाएँ ताकि वो सुन सके। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा देखने में दिक्कत है तो उसको बुक्स दी जाए ब्रेल में इंक्लूजन क्या होती है इट्स ऑल अबाउट इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल इन द एजुकेशन सिस्टम मतलब इंक्लूजन का मतलब ही होता है कि हर तरह का बच्चा हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले जितना हो सके हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन इंक्लूड करना तो इंक्लूसिव एजुकेशन की सिंपल सी एक डेफिनेशन क्या बनेगी तीन पॉइंट्स में मैंने उसको तोड़ के लिख दिया फर्स्ट इज इट मीन्स चिल्ड्रन विद और विदाउट डिसेबिलिटी बींग एबल टू लर्न इन के कॉमन स्कूल्स ठीक है चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो चाहे नॉन डिसेबल्ड हो सभी एक कॉमन स्कूल में पढ़ाई करेंगे नो वन इज डिप्राइव ऑफ एजुकेशन कोई भी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा कोई भी एजुकेशन से वंचित नहीं रहेगा सबको कॉमन प्रॉपर पढ़ाया जाएगा एवरी वन इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन द स्कूल और सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ठीक है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं अब आते हैं डेफिनेशन पे कुछ राइटर्स की कुछ डेफिनेशंस दी गई होती हैं तो ये आपको पता है पेपर में आपको एक आधी तो लिख के आनी ही पड़ती है ठीक है मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैंड बैक एंड स्टैंड बैक नाइनटीन नाइनटी टू में स्टैंड बैक एंड स्टैंड बैक ने क्या बोला इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर इट इज डिफाइंड एज अ प्लेस मतलब उन्होंने बोला ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सबको एक्सेप्ट किया जाता है सपोर्ट किया जाता है बाय स्कूल कम्युनिटी की तरफ से प्रिंसिपल्स हो गए टीचर्स हो गए हर एक जो मेंबर है सपोर्ट करेगा उस बच्चे को ठीक है पीयर्स हो गए जो उसके साथ पढ़ते हैं वो भी उसको क्या करेंगे प्रॉपर सपोर्ट करेंगे और जहाँ पे जरूरत हो उसकी एजुकेशनल नीड्स को भी पूरा किया जाएगा वो होती है इंक्लूसिव स्कूल ठीक है इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंड बाय एंड स्टैंड कि वो ऐसी एक जगह है जहाँ पे हर एक बच्चा बिलोंग करता है हर एक को एक्सेप्ट किया जाता है और हर एक को सपोर्ट किया जाता है किसके द्वारा मे बी बाय द प्योर्स मे बी बाय द स्कूल कम्युनिटी जितने भी स्कूल के मेंबर्स हैं और उनकी जो नीड्स हैं उसको पूरा किया जाता है राइट एंड अकॉर्डिंग टू एम मैनी वनन उन्होंने बोला इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी मतलब ऐसी पॉलिसी है एक इंक्लूसिव स्कूल ठीक है इम्प्लीमेंट की गई है स्टार्ट की गई है एंड प्रोसेस जो अलाउ करता है हर एक बच्चे को ताकि वो पार्टिसिपेट कर कर पाए हर एक प्रोग्राम में ठीक है उसको इंक्लूसिव स्कूल बोला जाता है आई होप दिस इज क्लियर अब आते हैं उसके नेचर पे ठीक है लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें मतलब एक तरह से मैंने आज, आज आपको सारा कंसेप्ट पढ़ाया डेफिनेशंस पढ़ाई प्लस उसके नेचर के बारे में अब मैं आपको ब्रीफली बता दूँगी सो so, पहला पॉइंट है नेचर का ऑल स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम इन द लोकल स्कूल्स एंड जनरल क्लासेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई भी बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा है चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है किसी भी के साथ भी क्या है भेदभाव नहीं होगा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा राइट right? चिल्ड्रन गेट यूनिक अपॉर्चुनिटी टू गेट एजुकेशन विद द स्टूडेंट इन द सेम एज ग्रुप मतलब सेम क्लासेस के बच्चे हैं सेम एज के बच्चे हैं सबको क्या है एक साथ बराबर क्या है अपॉरचुनिटीज दी जानी चाहिए नेक्स्ट इज इन इंक्लूजिव सेटिंग चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद नॉर्मल चिल्ड्रन ठीक है अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि जो डिसेबल्ड बच्चा है वो भी पार्टिसिपेट करें उनमें भी तो स्किल्स हैं वो भी सीखना चाहते हैं ठीक है जी तो उनको नॉर्मल बच्चों के साथ क्या है पार्टिसिपेट करवाना चाहिए नेक्स्ट इट एम्स टू इंटीग्रेट इंक्लूड द एजुकेशन ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन विद जनरल सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन कि जो सिस्टम ऑफ़ एजुकेशन नॉर्मल बच्चों के लिए है वही क्या है डिसेबल बच्चों के लिए होना चाहिए थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलेगी बट जो सेम आप नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हो वही चीज़ आपने डिसेबल बच्चों को पढ़ानी है भेदभाव नहीं करना है

एंड बाई प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी ठीक है सबको अपॉर्चुनिटी देनी है इन टर्म्स ऑफ जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चा सोशली डेवलप होना चाहिए इमोशनली मेंटली सोशली फिजिकली हर तरह से बच्चे की डेवलपमेंट हो ये चीज़ को ध्यान में रख के चलते हैं हम इंक्लूसिव एजुकेशन देते टाइम राइट आई होप आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डॉन्ट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच और अभी ऐसे ये जो हमारी प्ले लिस्ट है एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड ठीक है तो वहाँ वो आपको एक ही प्ले लिस्ट में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जैसे यूनिट वाइज आपको ऑलवेज मिलती हैं हर सेम में ठीक है जी थैंक यू वेरी मच वान सके